अब खबर है चिमूर तहसील से, जहां चिमूर के विक्रम ने चंडीगढ़ राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा और उन्होंने इस सफलता का श्रेय अपने स्वर्गीय भाई को समर्पित किया। तो चलिए नजर डालते हैं इस खबर पर। फरवरी 2021 को विक्रम सिंह भरत सिंह मगरिया ने चंडीगढ़ में हुए 55वें एसबीआई राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता खुला पुरुष वर्ग दौड़ में रजत पदक पर अपनी जीत हासिल की। चंडीगढ़ में आयोजित 55वें राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में भाग लेकर मध्य प्रदेश के दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दो व्यक्तिगत रजत पदक के अलावा 12वीं, 18वीं, 30वीं तथा 34वीं व 47वें स्थान के साथ जबलपुर कारपोरेशन की टीम ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए तीसरे स्थान पर रही। बालक 18 वर्ष आयु समूह में इंदौर के नवीन चौहान 6 किलोमीटर और पुरुष वर्ग में चिमूर के विक्रम बगेरिया ने 10 किलोमीटर में व्यक्तिगत रजत पदक जीते। बड़े भाई के दुखद देहांत के पश्चात यह बेहद कठिन घड़ी थी, जो इस वक्त दुख से बाहर जाना फिर भी बड़े भाई के सपनों को पूरा करना यही जीवन का संकल्प और उद्देश्य मानकर आज यह पारितोषिक पदक विक्रम ने अपने बड़े भाई अमित सिंह को समर्पित किया। इस विजय तिलक के साथ विक्रम का विश्व क्रॉस कंट्री एशियाई खेलों के लिए भी चयन सुनिश्चित हो गया। इस बारे में हमारे सीटीवी के विशेष प्रतिनिधि बालू सातपुते ने विक्रम से बात की तो उसने यदि कोरोना से राहत मिली और सभी स्थिति ठीक रही तो शत प्रतिशत ईश्वर की कृपा और अपने कड़े परिश्रम और योग्यता के आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक से राष्ट्र का गौरव और सम्मान बढ़ाएंगे, ऐसी अपेक्षा व्यक्त की। इस अवसर पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मुमताज खान के साथ मध्य प्रदेश एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष अमानत खान, सचिव मुरलीधर, उपाध्यक्ष अजीत कनौजिया, अनिल श्रीवास्तव, शमशेर सिंह, ललता तिवारी, सुरेंद्र सिंह, संयुक्त सचिव महेंद्र विश्वकर्मा, नितिन कलंकी, राजेंद्र पवार, अब्दुल वहाब, सदस्य अजय मिश्रा, सत्येंद्र कुमार, संजय शर्मा, अमित गौतम आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए बधाई दी। इस ऐतिहासिक जीत के साथ विक्रम ने अपने माता पिता, भाई, मित्र, परिवार और चिमू शहर का गौरव फिर से बढ़ाया है। सीटीवी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि बात करते हैं। 21 फरवरी 2021 को चंडीगढ़ में 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप प्रतियोगिता संपन्न हुई। उस प्रतियोगिता में मैंने रजत पदक प्राप्त किया, लेकिन इस पदक को हासिल करना मेरे लिए ही इतना आसान नहीं था, क्योंकि 28 जनवरी को मेरे पिता स्वरूप मेरे बड़े भाई अमित भरत सिंह बंगरिया, जिनका दुखद निधन हुआ है, इस मुश्किल घड़ी में मुझे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना और पदक प्राप्त करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय, लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरी मम्मी, मेरे भाई ने मुझे समझाया कि जिस बड़े भाई ने का यही एक सपना था कि मेरा छोटा भाई अपने गांव चिमूर का, अपने रेजिमेंट का और मेरा, यानी उनका खुद का ही सपना था कि मेरा भाई जो है देश का नाम ऊंचा करे और पदक प्राप्त करे, और इसीलिए मैंने उनके सपने को साकार करने के लिए 55वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री में हिस्सा लेकर रजत पदक प्राप्त किया है। और मैं इस पदक को मेरे बड़े भाई अमित भरत सिंह भंगरिया को समर्पित करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे बड़े भाई अमित सिंह भरत सिंह भंगरिया जिस भी दुनिया में होंगे वो मुझे मेरे इस पदक को देखकर फख्र महसूस कर रहे होंगे, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं उस भूमि से आता हूँ जो बहादुरों की भूमि यानी क्रांति भूमि चिमूर के नाम से जानी जाती है, और मुझे खुशी है मैंने अपने गांव चिमूर का और चिमूर क्रांति भूमि का नाम रोशन किया है, और मैं आशा करता हूँ
कि जो वर्ल्ड क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप होने और एशियन क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप हुई उसमें मैं पदक प्राप्त कर अपने देश, अपने गांव और अपनी रेजिमेंट का नाम ऊंचा करूंगा।